रात के भोजन पर जब परिवार के लोग साथ बैठकर बातें कर रहे थे तो एकनाथ बाबू ने बचपन में घटी कौवे वाली घटना की चर्चा की। जब अरुण ने एक ही बात उनसे 25 बार पूछी थी और उन्होंने बहुत धैर्य से उसका उत्तर दिया था। रात को जब खाना खाने के लिए सब परिवार यानी पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना भी खा रही थी और बातें भी कर रही थी, तब एकनाथ बाबूजी ने यानी अरुण के पिताजी ने बचपन की घटी यानी कि जो अरुण जो बचपन में जो घटना घटी थी जब अरुण छोटा था तो वो कौवे वाली घटना की चर्चा की यानी कि कौवे वाली घटना की बात की। जब अरुण ने एक ही बात उनसे 25 बार पूछी थी, 25 टाइम, एक ही बात अरुण ने कितनी बार पूछी, 25 टाइम पूछी, तो उन्होंने बहुत ही धैर्य से उसका उत्तर दिया था। तो एकनाथ जी ने बहुत ही धीरज से बहुत ही पेशेंस से उसका जवाब दिया था। अरुण समझ गया कि पिता उसे क्या समझाना चाह रहे हैं, वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो अरुण को समझ में आ गया कि इनडायरेक्टली उसके पिता उसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ यानी कि वो अपनी गलती पर उससे पछतावा होने लगा, बहुत ही शेम फील करने लगा। अगले दिन अरुण ने पिता को क्षमा देते हुए अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। अगले दिन अरुण याद करके उनके पिताजी का चश्मा लेकर आया और उन्होंने अपने व्यवहार यानी कि जो अरुण का बिहेवियर था उनसे क्षमा मांगी यानी उनसे सॉरी कहा, उनसे माफी मांगी। पिता तो अरुण को केवल समझाना चाहते थे, एकनाथ जी तो खाली अरुण को समझाना चाहते थे। वे बोले, बेटा मैं तो तुम्हें केवल इतना समझाना चाहता था कि बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता। एकनाथ जी बोले, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही बूढ़े होते हैं, उन दोनों के बीच में कोई अंतर कोई भेद नहीं होता, उनकी बातें अवश्य सुन लेनी चाहिए यानी कि जब हमें कोई बड़े बुजुर्ग कोई बात कहे तो हमें अवश्य यानी कि जरूरी सुन लेनी चाहिए। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा और मैं भी आपको यही सीख दूंगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमें कुछ कह देते हैं तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, बहुत ही धीरज से उनकी बातें सुननी चाहिए, बहुत ही धीरज से सुन लेना चाहिए। अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो उनसे माफी मांगने में भी हमें कोई झिझक नहीं रखनी चाहिए। तो ये बच्चों, आपको इस पाठ की कोई मीनिंग समझ में नहीं आए तो वो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, पुस्तक में दिए गए हैं, आप उसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।